अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस सी ई लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वी लुकअप फार्मूला जो है वो कैसे परफॉर्म होता है और उसकी मदद से हम कैसे जो है उसको यूज़ करके अपने काम को एफिशिएंट बना सकते हैं और इसकी मदद से हम अपने बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। बेसिकली वी स्टैंड फॉर वर्टिकल। वी लुकअप फार्मूला जो है वो हमारा वर्टिकल डेटा को जो है वो ढूंढता है और उसके बाद वो हॉरिजॉन्टल मूव करता है जैसे वो रेफरेंस ढूंढ लेता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी ली हुई है, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने सैलरी लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने नेम लिया हुआ है। ये मेरे पास डेटा है। डेटा के अंदर क्या है, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज आ रही हैं, बी के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय के नाम आ रहे हैं, सी कॉलम के अंदर मेरे पास उनके डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, डी कॉलम के अंदर मेरे पास उनकी सैलरी आ रही है। तो यहाँ मेरे पास ये जो डेटा है वो 1124 लोगों का डेटा है। तो मेरे पास कोई भी बंदा आता है जो कि मुझे अपनी आईडी बताता है, कहता है मेरी आईडी ABC1040 मेरी आईडी है, तो आप मुझे मेरी सैलरी और मेरा डिपार्टमेंट बताएं या मुझे मेरी सैलरी बताएं कि मेरी सैलरी कितनी है। जैसे मैं सेंटर करूँगा तो बता देगा जी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से इसका ताल्लुक है और 46,000 जो है वो इसकी सैलरी है। तो मैं इसको कहूँगा जी, और उसका नाम भी यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसको कहूँगा जी आप जाकर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से अपनी सैलरी जो है वो 46,000 जो है वो वसूल कर लें। तो बेसिकली ये इस फंक्शन को हम कैसे लगाते हैं वी लुकअप फार्मूला को, ये कैसे काम करता है, तो इसे देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने ऊपर ये सारा बनाया है, यहाँ पे मैं आपको बना कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं आईडी, नेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं नेम, उसके बाद हम लिख देते हैं डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट से नेक्स्ट के अंदर हम क्या लिख देते हैं सैलरी। तो ये हमने लिख दिया, इसको हम नीचे मूव कर लेते हैं, और क्योंकि एक ही रो में सारे कर लेते हैं, और इसको भी हम नीचे मूव कर लेते हैं। अब इनके जो है हम कलर चेंज कर लेते हैं, इनके ऊपर कुछ कलर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि कुछ बोल्ड होकर हमें दिखाई दे सके। चलें, अब यहाँ पर मैं कोई भी आईडी लिखता हूँ, ABC1011। तो यहाँ पर देखें, अभी तक मैंने कोई भी फार्मूला लगाया तो इसलिए ना मुझे नेम दिखा रहा है, ना मुझे डिपार्टमेंट दिखा रहा है, और ना ही मुझे सैलरी दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम वी लुकअप फार्मूला को देखते हैं कि वी लुकअप फार्मूला क्या होता है और ये कैसे काम करता है। आपको मैंने बताया था कि जैसे भी आपने कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना, तो सबसे पहले आपने इज इक्वल टू प्रेस करना है और आप लिखेंगे वी लुकअप। जैसे लिखेंगे तो वी लुकअप फार्मूला आ जाएगा, आप टैब को प्रेस कर देंगे तो आगे आपसे जो है उस फंक्शन में जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होंगी वो मांगेगा। सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, आप कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं आईडी देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा आईडी नंबर, जैसे ABC1001। अगर मैं ये आईडी नंबर देखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कोमा, उसके बाद वो कह रहा है टेबल अरे बताएं कि किस टेबल के एरिया में से आप ये वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। तो हम तो इस टेबल, सारे टेबल में से ढूंढना चाहते हैं। शिफ्ट पकड़ के हम जो है अपनी राइट एरो को प्रेस करते जाएंगे तो ये ऊपर वाले कॉलम सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट कंट्रोल, और जैसे ही आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा आपके सामने जो है वो सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम कोमा डालेंगे, उसके बाद हमें बोलेगा जी कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ कि आप किस कॉलम का डेटा चाहते हो। यानी कि अगर मैं इस कॉलम की बात करूं तो ये कॉलम 1 है वी लुकअप फार्मूला के लिए, बी कॉलम जो है वो कॉलम 2 है, सी कॉलम 3 है, और डी कॉलम हमारे पास 4 है। तो जिस भी कॉलम का डेटा मैं चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये बंदे की ये आईडी नंबर लिखूँ तो मेरे पास सैलरी आ जाए, तो मैं उसके लिए कॉलम 4 दबाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ उस बंदे का डिपार्टमेंट आ जाए, उसके लिए मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स में कॉलम नंबर 3 लिखूँगा, नाम चाहता हूँ तो 2 लिखूँगा, और आईडी तो वैसे ही हम उस टाइम लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उसकी मुझे सैलरी पता चल जाए, 4 प्रेस कर दूँगा, उसके बाद मैं कॉमा डालूँगा, उसके बाद मुझे आएगा ट्रू। ट्रू क्या करेगा, ये अप्रॉक्सीमेटली मैच करेगा डेटा के अंदर, मतलब नियरेस्ट नियरेस्ट या जो भी नियरेस्ट नियरेस्ट चीज़ होगी या जो एग्जैक्ट होगी उसको मैच करेगा। लेकिन अगर मैं फॉल्स पे क्लिक करूँगा तो ये एग्जैक्ट उसी डेट को लेकर आएगा जो चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो हमने तो एग्जैक्ट को ढूंढना है। ट्रू की जगह आप 1 लिख सकते हैं और फॉल्स की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, फॉल्स की जगह आप यहाँ पर 0 लिखें,
और आप जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, आपके पास उस बंदे की यहाँ पे सैलरी आ गई। लो जी, इस बंदे की सैलरी ये है। हम यहाँ पे 1000 सेपरेटर भी लगा देते हैं, ठीक है, 10,000 उस बंदे की सैलरी है। अब इस फार्मूला को आपको तो मैंने समझाया, अब आप इस फार्मूला को खुद समझना चाहते हैं। यहाँ FX पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद पहले आपको बता रहा है कि जी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या करती है। उसने नीचे बताया हुआ है कि लुकअप वैल्यू आपको बताएगी कि आप कौन सा चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं। फिर आप टेबल अरे पे क्लिक करेंगे, वो आपको बताएगी कि टेबल अरे क्या कर रहा है। टेबल अरे जो है वो टेक्स्ट है, नंबर है, लॉजिकल वैल्यूज़ हैं, इन विच डेटा इज़, जिसमें आपने डेटा लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं टेबल अरे, जहाँ से आप वो रेफरेंस नंबर ढूंढना चाहते हैं। कॉलम इंडेक्स क्या है, वो बता रहा है जी कॉलम इंडेक्स ये है कि आपका जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है वो कॉलम वन कंसिडर हो रहा है, यानी कि मेरा डेटा ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइम मेरा ए जो है वो कॉलम वन कंसिडर हो रहा है। उसके बाद रेंज की बात कर रहा है, कह रहा है अगर आप फॉल्स या ट्रू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख कर जो है वो देखेंगे, और यहाँ पे आपको उसका रिजल्ट भी शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे आईडी चेंज कर दूँ, जैसे इस टाइम मैं जो हूँ 10 रख लेता हूँ, यहाँ पे आईडी मैं जैसे ही 10 करूँगा, ठीक है, और इसको जो है रिजल्ट को मैं देखूँ, तो ये देखें मेरे पास रिजल्ट आ गया। अगर मैं 10 पे देखूं अपनी आईडी पे, तो यही उसकी वैल्यू है। अब ये तो हमें बार बार यहाँ पे जाकर और यहाँ लुकअप वैल्यू के ऊपर आईडी नंबर लिखना पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस दे देते हैं, ताकि जैसे ही हम उस सेल के अंदर कोई चीज़ लिखें तो हमें ऑटोमेटिकली उसका जो है आंसर दे दे। तो वो कैसे देगा, उसे हम जो है देखते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं अपनी आईडी ये रेफरेंस देना चाहता हूँ इसे, क्योंकि मैं यहाँ पे आईडी लिख रहा हूँ, तो मैं इस फार्मूला को यहाँ से उठाकर सैलरी में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के अंदर मुझे लिखना ना पड़े, मुझे बस ये रेफरेंस देना है, ये वाला सेल। मैंने ये सेल दे दिया, ओके करूँगा। अब मुझे इस सेल में सैलरी बताता जाएगा। इसके अंदर अगर मैं ए बी सी लेट्स सपोज 1017 कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे 1017 जो कि यहाँ पे मुझे शो हो रहा है 1017, उसकी मुझे जो है सैलरी बता रहा है, जो कि 12,000 है, यहाँ पे सैलरी आ गई। इस तरह आप नेम और डिपार्टमेंट भी उसका रेलिवेंट चाहते हैं तो ठीक है, हम नेम के ऊपर भी उसी तरह वी लुकअप लगा लेंगे। वी लुकअप टैप प्रेस करेंगे, वो हमसे पूछेगा कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं, तो हम आईडी ढूंढना चाहते हैं, साथ ही हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमसे टेबल अरे पूछेगा, इसी तरह यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, सारा डाटा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम फिर कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद हमसे पूछेगा कौन से कॉलम इंडेक्स में। अब हम नेम ढूंढना चाहते हैं, नेम हमारा बी कॉलम है, बी कॉलम हमारा कॉलम नंबर 2 बनता है, उसको क्लिक कर दूंगा। फिर हम क्या चाहते हैं, फॉल्स चाहते हैं, एग्जैक्टली चाहते हैं, तो यहाँ से इंटर करके जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो लो जी उसका नाम भी आ गया। अब उसका डिपार्टमेंट भी चाहता हूँ मैं, तो इज इक्वल प्रेस करूँगा, वी लुकअप को प्रेस करूँगा, टैब को प्रेस कर दूंगा, फिर बोलेगा लुकअप वैल्यू क्या ढूंढना चाहते हो। जी मैं इस नंबर में जो भी, इस कॉलम के अंदर जो भी जो है ना, सॉरी इस सेल के अंदर जो भी नाम लिखूंगा वो मुझे शो हो, तो वी लुकअप में मैंने सेल नंबर दे दिया, साथ ही मैं कॉमा प्रेस करूँगा। टेबल अरे पूछेगा, यहाँ से लेकर इस सारे डेटा को मैं सेलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल जैसे डाउन एरो करूँगा, पूरा डेटा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कॉमा को प्रेस करूँगा कॉलम इंडेक्स में। अब डिपार्टमेंट तीसरे कॉलम पे है, 3 प्रेस कर दूँगा, उसके बाद कॉमा 0, जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली उसका डिपार्टमेंट बता देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसे चेंज करके हम लेट्स सपोज अगर ये देखना चाहते हैं 1014 का, तो हम इससे कर देते हैं ए बी सी 1014। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे बता देगा जी इसका ये नाम है, ये डिपार्टमेंट है, और इसकी ये सैलरी है। तो बेसिकली वी लुकअप फार्मूला इसलिए यूज़ होता है, और आपकी इसकी मदद से जो है, अब मैं बताता हूँ कि फंक्शन कैसे करता है। वी स्टैंड फॉर वर्टिकल, तो ये पहले डेटा को वर्टिकल ढूंढता है, यानी कि वो सबसे पहले हमें क्या बोलता है कि आप वी लुकअप बताएं, यानी कि वो डेटा को पहले वर्टिकली ढूंढता है। जैसे ही वो वर्टिकली ढूंढ लेता है, जैसे इस टाइम 104 के केस में, तो यहाँ से वो ढूंढना शुरू करेगा, तो ये उसने ढूंढ लिया। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो हॉरिजॉन्टली चलना शुरू हो जाता है, फिर आगे ये ढूंढेगा, ये ढूंढेगा, जिस भी कॉलम को हमने दिया होगा सीधा उस कॉलम में जाएगा और वो लिख लेगा। जैसे हमने कॉलम 2 दिया होगा तो वो इसका नाम बता देगा, कॉलम 3 दिया होगा तो यहाँ पे उसकी मैंने उसका वो बता दिया, डिपार्टमेंट बता दिया, कॉलम 4 दिया होगा तो यहाँ पे उसकी सैलरी बता देगा। तो इस तरह, या तो ये तो डेटा छोटा है ना, ये तो डेटा आपके पास जो है 1124 एम्प्लॉयज़ का है,
तो इससे भी अगर बड़ा डेटा हो तो आप इसकी मदद से जो है इंतहाई आराम से जो है अपना डेटा लिख कर, आईडी लिख कर, उनका नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी वगैरह जो है वो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम एच लुकअप को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।